हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की केमिस्ट्री का कार्बन और उसके यौगिक नामक चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हैं, हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे जैसे हम कह दें CH4 या C2H6 या C2H4 या C2H2, तो ये सब हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और नंबर दो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो श्रेणियों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंध उपस्थित होता है, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम कहते हैं CH4 या फिर C2H6, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य फार्मूला होता है CnH2n+2। इस फार्मूले को फॉलो करने वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएंगे। जैसे हमने कहा CH4 या फिर C2H6, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जहां पर ये जो यन है, यन जो है ये कार्बन परमाणु की संख्या है, ये कार्बन परमाणु की संख्या को बदल बदल करके सजातीय श्रेणी के अलग अलग हाइड्रोकार्बन हम प्राप्त कर सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यल्केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? यल्केन। यल्केन के नाम से भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जाना जाता है। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर एक है एल्कीन, नंबर एक एल्कीन, और नंबर दो एल्काइन। यल्कीन और एल्काइन, अब इनको परिभाषित करेंगे। यल्कीन क्या है? ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित, उन्हें हम यल्कीन की श्रेणी में रखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड उपस्थित है, तब उसे हम यल्कीन की श्रेणी में रखेंगे। इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है, यानी इस फार्मूले को फॉलो करने वाले सभी कंपाउंड जो होंगे वे यल्कीन की श्रेणी में रखे जाएंगे। दूसरा है एल्काइन। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे हम एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन का सामान्य फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2।
इस फार्मूला को फॉलो करने वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं सभी एल्काइन की श्रेणी में आएंगे। अब हम एल्कीन का एग्जांपल देखना चाहें, जैसे हम कहते हैं C2H4 या फिर C3H6, ये सब आएंगे एल्कीन की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है, C2H6 नहीं C2H4 होगा। जैसे इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें कार्बन कितने हैं? दो कार्बन हैं, सी और सी, और हाइड्रोजन कितने हैं? चार, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से। और हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता चार होती है, यानी कार्बन चार बंध के द्वारा जुड़ेगा, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर होगा किसका? C2H4 का। उसी प्रकार अगर हम देखना चाहें C3H6 का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें, इसमें कार्बन की संख्या है तीन कार्बन है और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं छह, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये रहा C2H4 का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे C3H6 का। C3H6 की अगर हम संरचना बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, यानी इसमें जो होगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, तो इन सबको रखा जाएगा एल्कीन की श्रेणी के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे एल्काइन का। एल्काइन में जैसे हम कह दें C2H2, ये एल्काइन की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। जैसे इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए इसको एल्काइन की श्रेणी में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध उपस्थित होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी इस फार्मूले को फॉलो करने वाले सभी कंपाउंड संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की एल्कीन श्रेणी में आएगा। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहां n कार्बन परमाणु की संख्या है। जैसे हम एग्जांपल ले दिया C2H4, C3H6 इत्यादि। उसके बाद दूसरा है एल्काइन, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो एल्काइन की श्रेणी में रखा जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2, जैसे हमने एग्जांपल बताया C2H2 का। तो ये रही पूरे हाइड्रोकार्बन की बात। हाइड्रोकार्बन में हमने तीन चीजें सीखी, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। एल्केन एल्कीन और एल्काइन। अब हम तीसरा देखेंगे, एक होता है एल्किल। अब एल्किल क्या होते हैं, एल्किल को हम कैसे डिराइव करेंगे? एल्किल यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, C2H6 या CH4, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है तो प्राप्त होने वाला कंपाउंड जो होता है वो एल्किल कहलाता है। जैसे CH4 है, CH4 से जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो बनता है CH3। अब ये CH3 जो है वो एल्किल की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे हमने कहा C2H6, यहां से जब एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो गया तो बचा हमारा C2H5। ये C2H5 जो है
वो यल्किल की श्रेणी में रखा जाएगा, यल्किल कहलाएंगे। यानी यल्किल जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 होता है। CnH2n+1 फार्मूला को फॉलो करने वाले कंपाउंड यल्किल कहलाते हैं। और IUPAC पद्धति में इनका नामकरण करते समय अनुलग्न हम लगाते हैं इल। अब ये IUPAC पद्धति क्या होती है, IUPAC पद्धति में यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम कैसे लिखेंगे, ये IUPAC पद्धति में हम सीखेंगे और ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो।